हेलो दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आपके सीपीयू की पावर बटन का कनेक्शन कैसे मदरबोर्ड में किया जाता है। पावर बटन और रीस्टार्ट और एलईडी, इन चारों का कनेक्शन और हार्ड डिस्क की एलईडी, इन चारों का कनेक्शन बताने जा रहा हूँ। सीपीयू का तो आप समझ जाओगे, क्योंकि सीपीयू का जो यूएसबी होता है उसका मदरबोर्ड में यूएसबी लिखा रहता है, और यहाँ पे ऑडियो को जो रहता है मदरबोर्ड में ऑडियो लिखा रहता है। यूएसबी का तो आप समझ जाओगे, यूएसबी वाला यूएसबी में लगा दोगे, लेकिन पावर बटन का और रिस्टार्ट और पावर एलईडी का, हार्ड डिस्क एलईडी का, इन चारों का कनेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा मदरबोर्ड में कहाँ पे लगता है। अगर आप न्यू कंप्यूटर यूजर हैं तो मैं इसका आपको बता देता हूँ, ये मदरबोर्ड में इसका कनेक्शन कैसे लगता है। इसकी केबल ये है जिसमें लिखा हुआ है पावर स्विच, हार्ड डिस्क और पावर एलईडी। तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको मदरबोर्ड में कैसे लगाना है। तो मदरबोर्ड में तो यहाँ पे इसका कनेक्टर दिया हुआ है, बट इसको आपको लगाना आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सही नहीं लगेगा तो यहाँ पे पावर बटन आपकी काम नहीं करेगी सीपीयू की। तो इसको मैं आपको पेपर में समझा देता हूँ कि कहाँ पे कौन चीज लगता है। तो मैं आपको सिंपली एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये बना लिया हूँ, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इधर आप देखोगे चार पिन दिख रही हैं, इधर आपको पांच पिन। तो यहाँ पे जिधर चार पिन है तो जिधर साइड का चार पिन रहता है उधर, इधर से आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे जो पहला दो पिन होता है ये पावर स्विच का होता है। इसमें पावर बटन का केबल लगाना है जिसमें पावर SW लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लगाएंगे। और उसके बाद इसके जस्ट अपोजिट रिस्टार्ट की केबल लगाएंगे, रिस्टार्ट जिसमें रिसेट स्विच लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लगाएंगे। और इसके बाद माइनस एलईडी को, माइनस पावर एलईडी आप यहाँ पे लगाएंगे और प्लस पावर एलईडी यहाँ पे, और HDD एलईडी जिस पे लिखा है उसको आपको इन दोनों पे लगाना है। और यहाँ पे एक ये पिन खाली रहती है, इस पे आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान रहे यहाँ पे एक पिन नहीं है, इधर चार है और इधर तीन है, इधर पांच है और इधर चार है। जिधर चार है तो इधर से स्टार्ट करोगे आप तो यहाँ पे पावर स्विच आपको लगानी है। ये डायग्राम आप देख के आप अपना कनेक्शन कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। आपको जैसे ये कि पावर स्विच है तो पावर स्विच वाली आपको यहाँ पे लगाना है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये, यहाँ पे आप लगाओगे तो आपकी पावर चलने लगेगा, पावर बटन काम करने लगेगा। उसी तरीके से आपको रिसेट का भी ऐसे करना है, रिसेट वाली यहाँ पे लगा देंगे आप, ये रिसेट की यहाँ पे, इन दोनों पे। बस इसी तरीके आप कनेक्शन कर सकते हैं, आपकी यहाँ पे बटन भी काम करने लगेगी, पावर बटन और रिस्टार्ट और एलईडी भी जलने लगेगी। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।